अब हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ऐसा इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम पावर 1 होती है उसे हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। और वेरिएबल्स का क्या होता है, मैथ में जब भी वेरिएबल्स का वर्ड आया तो इसका मतलब तुरंत ही लेटर्स, तो मैथ में वेरिएबल्स का मतलब लेटर्स होता है। वैसे वेरिएबल्स वो होते हैं जो वैरी करते हैं, तो लेटर्स मैथ में वैरी करते रहेंगे। तो लीनियर इक्वेशन वो होता है जिसकी मैक्सिमम पावर 1 होती है, और वेरिएबल क्या होते हैं, लेटर्स। मैथ में लेटर्स को हम वेरिएबल्स बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पे हम एक एग्जांपल देख रहे हैं, एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 9, ये हमारा कोई इक्वेशन है। तो ये क्या लीनियर है? हाँ, ये लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक्स के पावर 1 है, तो यहाँ पे जिसकी मैक्सिमम पावर 1 होती है वो लीनियर इक्वेशन होता है। तो सो वी कैन से दैट दिस इक्वेशन इज लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं जो हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी ऐसा लीनियर इक्वेशन जिसमें टू वेरिएबल्स हो। वेरिएबल्स क्या होते हैं, लेटर्स होते हैं, यानी जिसमें दो लेटर हो। अब यहाँ पे जो हम फर्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं, एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 9, ये हमारा लीनियर इक्वेशन तो है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, लेटर होता है, तो एक ही वेरिएबल है। तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हुआ, इन टू वेरिएबल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एक ही लेटर है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हुआ, टू वेरिएबल ये नहीं हुआ। सिमिलरली हम सेकेंड एग्जाम्पल देख रहे हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, तो हम देख रहे हैं लीनियर है, क्योंकि x की भी पावर 1 है, y की भी पावर 1 है। तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि मैक्सिमम पावर जिसकी 1 होती है वही लीनियर इक्वेशन होता है। तो वी कंसीडर दिस इक्वेशन इज लीनियर, ये इक्वेशन हमारा लीनियर है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ये टू वेरिएबल भी यहाँ पे है, मीन्स टू लेटर है, x है और y है। तो अब हम कह सकते हैं कि ये जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। एग्जाम्पल सेकेंड जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, क्योंकि लीनियर भी और टू लेटर भी है, तो ये दो वेरिएबल में हो गया। थर्ड एग्जाम्पल देख रहे हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये हमारा कोई इक्वेशन गिवेन है। अब हम देख रहे हैं क्या ये लीनियर है, ये लीनियर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 हो गई, तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं हुआ, क्योंकि लीनियर इक्वेशन के लिए मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए, बट यहाँ पे 2 है, तो हम कह सकते हैं ये लीनियर नहीं हुआ। लेकिन ये 2 वेरिएबल में है, ये इक्वेशन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, लेकिन लीनियर नहीं है। अब हम फोर्थ एग्जाम्पल देख रहे हैं, माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 2, क्या ये लीनियर है? हाँ, ये लीनियर है, क्योंकि y के पावर 1 है, तो ये हमारा लीनियर है। लीनियर के लिए मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए, तो ये लीनियर इक्वेशन है, लेकिन 2 वेरिएबल में नहीं है। ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक ही वेरिएबल है। तो ये जो एग्जांपल फोर्थ है, हमारा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हुआ, 2 वेरिएबल नहीं हुआ। उसके बाद हम फिफ्थ एग्जांपल देख रहे हैं, माइनस 3x प्लस y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा एग्जांपल फिफ्थ है, ये लीनियर है, क्योंकि x के पावर भी 1 है और y पावर भी 1 है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दो लेटर भी है, एक्स और वाई। तो हम कह सकते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन भी है और साथ में टू वेरिएबल भी है। तो हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। उसके बाद हम सिक्स एग्जांपल देख रहे हैं इसका, एक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ये लीनियर नहीं है। यहाँ एक्स के पावर तो 1 है, लेकिन जो मैक्सिमम पावर है इक्वेशन की, यहाँ वाई के पावर 2 हो गई, लेकिन मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए, तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं हुआ। लेकिन ये टू वेरिएबल में इक्वेशन है, बट लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो इसमें हम देख रहे हैं ओनली एग्जांपल सेकंड एंड एग्जांपल फिफ्थ हमारा जो है, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, इसके अलावा बाकी कोई नहीं है। अब यहां पेयर, पेयर का मतलब हम जानते हैं जोड़ा, यानी ऐसे अगर दो इक्वेशन ऐसे गिवन रहे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में अगर हमारे पास ऐसे दो इक्वेशन रहे, तो उसी को हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बोल देते हैं इन टू वेरिएबल्स। जैसे एग्जांपल 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, ये हमारा एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, क्योंकि यहाँ पे भी पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है, और दो लेटर भी है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। और एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं इसके नीचे, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 10, ये भी हमारा लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि पावर 1 है और टू वेरिएबल भी है, तो ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। अब यहाँ पे दो इक्वेशन मिल गए ना, तो जब दो इक्वेशन का सिस्टम दिया रहा है, दो इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ऐसा सिस्टम दिया रहा है, तो इसको बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स।